गुड मॉर्निंग यूकेजी क्लास प्यारे बच्चों, मैं आप सबों को बीते दिनों स्वर वर्ण पढ़ा के ख़त्म की थी, है ना। तो स्वर वर्ण क्या है बच्चों, हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। हम लोग पहले पढ़े थे, सबको कंप्लीट किए थे, अब मैं आप सबों को रिवीजन कराने जा रही हूँ। स्वर वर्ण मैं बता रही हूँ, स्वर वर्ण है आ आ ई ई ऊ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग अहा, है ना बच्चों। तो आप लोगों को इसी से संबंधित कुछ प्रश्न कराने जा रही हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, ठीक है। स्वर वर्ण को अभी मैं लिख के फिर से बता रही हूँ बच्चों। स्वर वर्ण, ठीक है। स्वर वर्ण में आते हैं आ आ ई ई ऊ ऊ री ए ऐ ओ औ अंक अहा, ठीक है बच्चों। तो इसी से संबंधित एक क्वेश्चन लिख रहे हूँ आप लोग के लिए। पहला प्रश्न है आ से आहा तक लिखो। प्यारे बच्चों, ये लिखा हुआ रहेगा तो आप लोग क्या लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे आप लोग आ आ ई ई ऊ ऊ री ए ऐ ओ औ अंक आहा, ठीक है। ये जो प्रश्न पूछा गया है उसका आंसर है, ठीक है। आगे दूसरा प्रश्न, सही जोड़े लगाओ। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक तरफ दिया हुआ रहेगा आ, उसके नीचे दिया हुआ रहेगा ई, उसके नीचे दिया हुआ रहेगा ऊ, और उसके नीचे दिया हुआ रहेगा ई, ठीक है बच्चों। और दूसरी तरफ दिया हुआ रहेगा ई आ ई ऊ। तो क्या करना है बच्चों, इनको मिलाना है। आ को किसे मिलाएंगे, आ के साथ, ई को ई के साथ, ऊ को ऊ के साथ, ई को ई के साथ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये आप समझ गए होंगे आप लोग, है ना, ये कैसे मिलान करना है। आगे तीसरा प्रश्न रहेगा, खाली स्थान भरो। तो यहाँ पर क्या करना है बच्चों,
प्रश्न जैसे पूछेगा वैसे ही उत्तर लिखेंगे, दिया हुआ रहेगा। आ, उसके बाद खाली स्थान दिया हुआ रहेगा, उसके बाद ई, उसके बाद दिया हुआ रहेगा यहाँ वहाँ, ठीक है, आप लोग को याद करके लिखना है। ई के बाद क्या आएगा उसको लिखना है, फिर ऊ, ऊ के बाद क्या आता है वो लिखना है, ठीक है, फिर री, री के बाद क्या आएगा उसको लिखेंगे, फिर ए, फिर क्या आएगा, ठीक है। ये क्रमशः लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसके बाद जो स्वर वर्ण आएगा उसको लिखना है। बच्चों मैं बता रही हूँ कैसे लिखोगे, आ के बाद क्या आएगा, आ, ठीक है, खाली स्थान के नीचे लकीर, फिर ई, ई के बाद क्या आएगा, ऊ, ठीक है, ऊ आएगा ना, फिर यहाँ पर ऊ दिया गया है, यही ऊ को फिर से इधर लिखा गया है, तो ये ऊ के बाद क्या आता है, ऊ, ठीक है, ये भरना है। ओके बच्चों, आगे री, री के बाद क्या आएगा, ए, ठीक है, उसके नीचे लकीर, फिर यही ए यहाँ दिया गया है, तो ए के बाद क्या आएगा, आए, ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। जो वर्ण दिया हुआ रहेगा उसके बाद जो वर्ण आएगा उसको लिखना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करेंगे। प्यारे बच्चों आज के लिए मैं आप सबों को इतना ही रिवीजन कराऊंगी, बाय बच्चों।